हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना क्रिएशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये एक बेबी कैप जो नियर अबाउट 0 to 6 मंथ के बेबी के लिए है। और ये स्पेशली 3 जालियों से हमारा स्टार्ट हुआ है। ये हमारी सिर्फ 3 जालियाँ, स्टार्टिंग से हमने 3 जालियों से इसको स्टार्ट किया हुआ है। ये हमारी यहाँ पे 1 जाली पड़ी हुई है, 1 जाली हमारी इस साइड पे है और 1 हमारी इस साइड पे है। ये 3 जालियों से बनाया गया है कैप और इसमें ये यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करी गई है। तो चलिए देखते हैं हमको ये कैप कैसे बनानी है। इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं 5 फंदों से। 5 फंदे ही डालने के बाद पहला फंदा नॉर्मल सीधा उतार लिया सिलाई में, उसके बाद ऊन आगे किया और इसमें 1 जाली बनाई, फिर ऊन आगे किया 1 जाली बनाई, फिर आगे किया 1 जाली बनाई और लास्ट का ये फंदा सीधा बिन जाएगा। आखिर में उल्टी सिलाई पूरी उल्टी चलेगी। ये उल्टी सिलाई हमारी पूरी नॉर्मल उल्टी जैसे हम बिनते हैं वैसे ही चलेगी। नेक्स्ट सिलाई में आने में हमने 2 फंदे इधर हमारे सीधे हो गए, ऊन आगे किया 1 जाली बनाई, फिर 1 जाली बनाई, फिर 1 जाली बनाई, ऊन आगे करके 1 जाली बनाई, फिर ऊन आगे किया 1 जाली बनाई, ऊन आगे किया और लास्ट का फंदा बिन दिया। उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद सीधी सिलाई में आने पे हमारे ये फंदे स्टार्टिंग के सीधे हो जाएंगे और इस जाली के बगल से हमको जाली बनानी है। 2 जाली ऐसे हो गई, फिर ये हमारा सीधा हो गया, फिर जाली के बगल से 1 जाली बनाई और इधर भी जाली बनाई, और ये 1 जाली लास्ट में हो गई। 3 जालियां हमारी पूरी ये सीधी सीधी जाली के बगल से जाली बनती रहेगी। नेक्स्ट सीधी सिलाई में आने पे हमको फिर यहाँ पे जाली बनानी है। देखिए हर एक उसके बाद हमको जाली दिख रही है, ये जाली जैसे इसमें हमको दिखाई पड़ रही है, हर एक कली में जाली दिखाई पड़ रही है। ये है इसके अगल बगल जाली है, फिर यहाँ पे जाली है हमारी और यहाँ पे जाली है। तो इसी तरह हमको ये ऊपर यहाँ जो जालियाँ जो है इस फंदे के अगल बगल जालियाँ 3 जालियों से बनाते हुए बनाना है इसको, और ऊपर तक हमें 13 जालियाँ इसमें डालनी है। हर जाली के बगल से 1 जाली बनेगी, 1 इधर बनेगी, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर और 1 इस जाली के अगल बगल। ये हमारी टोटल इसमें यहाँ से जहाँ से मैंने जाली स्टार्ट करी थी यहाँ से हमारी टोटल जो है यहाँ तक लास्ट तक 13 जालियाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 13 जालियों के बनाने के बाद अब हम इसमें यहाँ से जाली बनाना बंद कर देंगे। ये फंदे हमारे यहाँ पे अब नॉर्मल बिने जाएंगे, सीधी 1 सिलाई हम सीधी बिनेंगे पूरी। ये पूरी हमारी सीधी चलेगी और उल्टी सिलाई भी उल्टी चलेगी। ये हमारा देखिए जाली के बाद हमारी 1 सीधी सिलाई और 1 उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट सिलाई में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमको जो बिनाई बनाएंगे वो हम 3 फंदे सीधे बिनेंगे और 1 उल्टा, फिर 3 सीधे बिनेंगे और 1 उल्टा बिनेंगे। ये ऐसे 3 सीधे और 1 उल्टे की हमको पूरी रो कंप्लीट करनी है।
ये हमारी पूरी रो तीन सीधे और एक उल्टे की कंप्लीट हुई। और उल्टी सिलाई में हम जो हमारे फंदे सीधे हैं उनको तो हम उल्टा बिनेंगे, ऐसे तीन उल्टे हो गए, बट जो हमने सीधा उधर से उल्टा बिन रखा है उसको सीधा बिनेंगे, यानी कि इधर से हमारे तीन उल्टे और एक सीधा हो जाएगा। ये हमारे तीन उल्टे हो जाएंगे और एक फंदा सीधा हो जाएगा। पूरी रो हमको ये उल्टी साइड की ऐसी कंप्लीट करनी है। और सीधी सिलाई में हम तीन सीधे और एक उल्टे बिनते हैं, और उल्टी सिलाई में तीन उल्टे और एक सीधा बिनेंगे। ऐसे ही हमको ऊपर तक बिनना है थोड़ा। ये हमारा तीन सीधा और एक उल्टे से बिनते बिनते हमारी यहाँ से यहाँ तक ये 11 सिलाइयाँ हो गई हैं। और अब इसके ऊपर 11 सिलाइयों के बाद हम ये यहाँ पे उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। जैसे नॉर्मल हम उल्टा बिनते हैं उल्टे का, वैसे ही हमको 4 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट करना है। दोनों साइड से हम इसमें उल्टा बिनेंगे, सीधी सिलाई साइड से भी और उल्टी साइड से भी। ये 4 सिलाइयों के बॉर्डर होने के बाद अब इन फंदों को हम उतार देंगे, पूरा आगे से इसको बंद कर देंगे। ये 2 का एक एक सिलाई पे चढ़ाया, इस पे फंदा चढ़ा लिया और इन दोनों को एक साथ बिन दिया। ये पूरे फंदे हमको ऐसे ही पूरे बंद कर देने हैं। ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया और अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे यहाँ पे। अब हम इसमें नीचे जो हमारे ये तीन फंदे सीधे हैं, इन फंदों में हम ये ऐसे बूटी बनाएंगे। एक कॉलम छोड़ के एक में बनाना है, ऐसे निकाला ऊन और इन फंदों के तीन फंदों के बीच से हमने ऐसे निकाला ऊन को, ऐसे किया और यहीं से ऐसे हल्का सा सुई टेढ़ी करके ऐसे एक फंदा निकाला इसमें ऐसे, फिर सुई वापस इसी में डाली कॉर्नर पे और बीच में निकाली। और इस साइड को भी ऐसे ही बना दिया। जो हमारे सीधे फंदे तीन हैं ये उस फंदों में बनेगा। और नीचे ऊन को ऐसे फंसा दिया। फिर एक कॉलम छोड़ के इसमें हमको बनाना है, सुई पीछे से निकाल ली उसी में एक बार इस सेट को बनाया। और दूसरी बार फिर सुई इसी जगह पे निकाल के ऐसे इसके बगल से बनाया। अब इसमें जो बॉर्डर बंद करने के बाद जो ऊन हमने एक्स्ट्रा रख लिया था
उससे ये साइड का पोर्शन इसका पूरा सिल के बंद कर देना है। ये पूरा साइड का इधर से बंद कर देंगे, सिल देंगे इसको। सबसे ऊपर यहाँ इसके टॉप पे जो हमारा जहाँ से हमने इसमें जाली स्टार्ट करी थी वहाँ पे ही हम इसमें पोम पोम इसको लगा देते हैं, जिससे इसमें खूबसूरती आ जाती है ज़्यादा देखने पे। ये देखिए देखिए हमारा पूरा ऐसे बन के कंप्लीट हो गया है। ये इसमें जो हमने ब्लू कलर से बनाए हैं इसको आप एक कलर से एक ब्लू और एक दूसरे कलर का ही बना सकते हैं, मल्टी शेड का ही बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा पूरा कैप बेबी का तैयार हो गया है। तो आप हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।